हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अभिषेक सिन्हा। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रिव्यू रिवील्ड और आज के इस वीडियो में हम आपको किसी भी मोबाइल का पिन पैटर्न पासवर्ड खोलने का तरीका नहीं बताने वाले। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि यदि आपके पास भी एक स्मार्टफोन है, वो भी यदि रियलमी का है या फिर वो ओप्पो का है, और उसमें यदि आप चाहते हैं कि आप उसे पूरी तरह से फॉर्मेट कर सकें जहाँ पे आपका डाटा लॉस हो जाएगा, मैं आपको पहली वार्निंग देता हूँ। यदि आप अपने डेटा को लॉस करते हुए यदि अपने हैंडसेट को रीसेट मारना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आप किस तरह से इजीली अपने स्मार्टफोन को आप हार्ड रीसेट मार सकते हैं जहां आपका हैंडसेट बिल्कुल भी एक नए तरह हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब उनको लगता है कि उनका स्मार्टफोन स्लो हो गया है या फिर उनका स्मार्टफोन टाइम टू टाइम मतलब लैग यदि करता है, तो आप उससे रीसेट मार सकते हैं, फुल फैक्ट्री रीसेट, जिसके हेल्प से आपका स्मार्टफोन बिल्कुल नया टाइप का हो जाएगा और आप उसे बिल्कुल आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं आगे की इस वीडियो में कि आप अपने रियलमी के स्मार्टफोन को किस तरह से फैक्ट्री डाटा रीसेट कर सकते हैं। तो मेरा नाम है अभिषेक सिन्हा, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रिव्यू रिवील्ड। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बताया कि यदि आपके पास रियलमी का स्मार्टफोन है और आप उससे यदि फुल फैक्ट्री डाटा रीसेट मारना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट पे हम आपको कुछ ज़रूरी टिप्स दे रहे होंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर आपको अपने स्मार्टफोन को किस तरह से फुल फैक्ट्री डाटा रीसेट करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे हाथ में एक रियलमी का स्मार्टफोन है और आप देख सकते हैं इसका नाम भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, रियलमी नार्जो, जो कि बिल्कुल नया हैंडसेट है। और ये हैंडसेट का नाम है रियलमी नार्जो 30 Pro 5G। जी हाँ, ये स्मार्टफोन हम अपने व्यूवर्स के लिए गिव अवे भी कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं हमारे गिव अवे में पार्टिसिपेट करना, तो बिना देर किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आपको ये फ़ोन क्यों चाहिए और क्यों आपको ये फ़ोन पसंद है। हम अपने लकी व्यूवर्स को ये रियलमी नार्जो 30 Pro 5G गिव अवे में देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। पहली बात दोस्तों कि बहुत सारे मतलब मेरे पास कमेंट आते हैं, मैंने पिछले बार भी जब गिव अवे किया था तो मेरे पास फेक कमेंट आ रहे थे कि आई एम विनर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी हमारे गिव अवे के विनर होते हैं, हम डायरेक्ट उनको उनके मेल आईडी पे जाते हैं और उनको अपना उनसे एड्रेस मांगते हैं और उनको भेज देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम किसी से एक रुपया भी नहीं लेते हैं। तो आप इस तरह के फॉर्जरी से, फ्रॉड से आप अपने आप को सेव रखिए ताकि आपके पैसे कहीं लॉस्ट ना हो जाएं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर अपने स्मार्टफोन को आप किस तरह से इजीली फुल फैक्ट्री डाटा रीसेट कर सकते हैं। ये जो स्मार्टफोन है ये एक रियलमी का है और इसमें जो है पिन पैटर्न पासवर्ड हमें मालूम है। तो अभी हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका होम इंटरफेस है जहाँ पे आपका फ़ोन का डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग में। पहले हमने जो भी पहले से यहाँ पे खोले हुए सबको पहले हटा देते हैं। अब हमें यहाँ पे सेटिंग में जाना है। अब सेटिंग में जाने का यहाँ पे दो रास्ता है। पहला, या तो यहाँ पे शॉर्टकट है, आप बस इस तरह से जाइए, आपको यहाँ पे ऊपर में सेटिंग का आपको मैसेज देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पे इसका आइकन है। या फिर आप यहाँ पे इसके मेन्यू में जाने के बाद आप इसके सेटिंग ऑप्शन में जा सकते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एडिशनल सेटिंग, आपको यहाँ पे चले जाना है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एडिशनल सेटिंग, हम इस एडिशनल सेटिंग को भी यहाँ पे ओपन करेंगे। जैसे हम यहाँ पे एडिशनल सेटिंग को ओपन करते हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। आपको सबसे लास्ट के ऑप्शन पर चले जाना है, जहाँ पर आपको सेकेंड लास्ट एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होगा बैकअप डेटा, बैकअप एंड रीस्टोर। जी हाँ, बैकअप एंड रीस्टोर का आपको ये पेज है और इसी पेज पे सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट। यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्मॉल में नोटिफिकेशन मिलेगा जिसका नाम है इरेज ऑल डाटा ऑन फोन। तो आपको यदि अपने हैंडसेट का टोटल डाटा का आपको कोई ख़तरा नहीं है, आपको लगता है कि आपके डाटा को लॉस्ट होने से कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली, तो आप इस ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास जब आप अपने हैंडसेट को फुल फैक्ट्री डाटा रीसेट मारना चाहते हैं तब। तो चलिए आपको बताते हैं कि अब आपको अगला स्टेप क्या लेना है अपने स्मार्टफोन में। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो डेटा इरेजर का ऑप्शन है, यानी कि इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट, इसे आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, आपको एक और ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे इसका लिखा रहेगा इरेज ऑल डाटा। यहाँ पे आपको कुछ मैसेज मिल रहे हैं, रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली, दूसरा है इरेज डाउनलोड एप्स एंड देयर डाटा,
और एक है इरेज ऑल डेटा। तो आप यहां से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हमें इस हैंडसेट के सारे डेटा को लॉस नहीं करना, सिर्फ इसके रीसेट सेटिंग जो आप देख रहे हैं ऊपर में, रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, क्योंकि इसके सेटिंग हमें फिर से वापस पहले जैसे चाहिए। तो हम यहाँ पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आपको पासवर्ड डालने को कहा जाएगा, तो हम यहाँ पे पासवर्ड को डालेंगे। जैसे ही डालेंगे आपका यहाँ पे फिर से लास्ट टाइम आपको एक अलर्ट आएगा जहाँ पे लिखा रहेगा रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, तो हम यहाँ पे इसे एक्टिवेट कर देंगे। यहाँ पे लिख रहा आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू दिस विल रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, तो फिर से हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप इसे सेटिंग को सेलेक्ट करते हैं, आपका हैंडसेट आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू टाइप का हो गया है। और आपको यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे हम इसे ओपन करेंगे आपका यहाँ पे जितने भी सेटिंग है वो सारे आपके चेंज हो सकते हैं। आपने देखा होगा पहले मेरा डार्क मोड इनेबल था, लेकिन अभी मेरा फिर से वाइट मोड आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपको ये भी करके दिखाएंगे कि आप अपने फुल डेटा को रीसेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम फुल डेटा को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हम यदि यहाँ पे इसके पिन पैटर्न पासवर्ड को हमें डालना होगा, तो चलिए इसे यहाँ पे डालते हैं। जैसे ही इसे हम डालेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास लास्ट नोटिफिकेशन आएगा लिखा हुआ, जहाँ पे हमें बोला गया इरेज डाटा। तो चलिए अब हम इसे इरेज डाटा को भी सिलेक्ट करते हैं, फिर से ये लास्ट टाइम हमसे पूछेगा। और जैसे ही हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो चलिए अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और अपने इस हैंडसेट को फुल फैक्ट्री डाटा रीसेट की तरफ लेके चलते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इसे लास्ट टाइम इसे अप्लाई करते हैं और यहाँ पे इरेज डाटा कर देते हैं। बस हमें थोड़ा देर का अब यहाँ पे इंतज़ार करना है, जिस टाइम में हमारा हैंडसेट फुल फैक्ट्री डाटा रीसेट हो जाएगा। आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, आपको कुछ ही मिनटों में आपका हैंडसेट पूरी तरह से बिल्कुल नया होकर आपको मिलेगा और आप उसे बिल्कुल नया टाइप से इस्तेमाल कर सकेंगे। बस थोड़ा सा वेट करिए, मैं इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। और दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा यह स्मार्टफोन फाइनली सक्सेसफुली फुल डाटा रीसेट हो चुका है। तो अब आप इसमें अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं और आपका यह स्मार्टफोन अब बिल्कुल भी नए स्मार्टफोन की तरह वर्क करेगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। तो देखते रहें इसी तरह से रिव्यू रिवील्ड।